हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय हीरोज हेल्थ। मैं प्रवीण ग्रेवाल एक बार फिर से हाजिर हूं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अब जो हमारा मौसम चल रहा है उसकी कंडीशन कितनी ख़राब हो चुकी है। हमारी हवा की जो क्वालिटी है वो एकदम ख़राब हो चुकी है। हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि नोएडा जैसी सिटीज़ के अंदर 500 से भी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँच चुका है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक इंडेक्स जारी किया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। आप देख सकते हैं और देखें कि उसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स जाता है वो आपके लिए कितना खतरनाक साबित है। तो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग जो 500 से ज़्यादा अगर इंडेक्स हमारा जा रहा है, इसका मतलब है कि दोस्तों जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की बात है। तो जो लोग पहले से ही जिनको अस्थमा है या सांस की कोई समस्या है उनके लिए तो हानिकारक है ही, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है उन लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये मौसम। तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। जो लोग श्वास की समस्या से परेशान है, जिनको अस्थमा की समस्या है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी और फायदेमंद नुस्खा है ये। तो आप लोगों को करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले मार्केट से, आपको पतंजलि की शॉप से मिल जाएगा कच्चे बांस का रस। जी हाँ दोस्तों, जो बंबू ग्रास होती है उसका रस लें। दोस्तों, वैसे तो आपको हो सकता है कांच की बोतल में ही मिले, अगर आपको प्लास्टिक की बोतल में ये मिलता है तो दोस्तों आप इस रस को लेकर आप 1 लीटर रस ले लें। उसके बाद आप एक कांच की बोतल लें, ट्रांसपेरेंट लें, वो सबसे अच्छी रहेगी। उसके अंदर आप इस बांस के रस को, कच्चे बांस का रस ध्यान में रखें, इस रस को कांच की बोतल में डालकर टाइट ढक्कन से उसको बंद करके रखें। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, रोजाना सुबह के समय 2 ढक्कन इस कच्चे बांस का रस लें और इसके अंदर आप शुद्ध देसी शहद 2 चम्मच इसके अंदर मिलाएं। शुद्ध देसी शहद का मतलब, मार्केट में आजकल काफ़ी सारा मिलावटी शहद आ रहा है जिसके अंदर चीनी डालकर उसको इम्प्योर किया जा रहा है और भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटी जिसके अंदर डाली जा रही है। तो दोस्तों, आप किसी अच्छी कंपनी का और शुद्ध शहद लें। अगर आपके आसपास कोई शहद तोड़ने वाला है तो आप उससे शहद परचेज करें, या गांव वगैरह में काफ़ी सारे लोग शहद तोड़कर उसे बेचते हैं तो आप वो शहद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब करना क्या है, 2 ढक्कन कच्चे बांस के रस के अंदर आप 2 चम्मच शहद की मिलाएं और अच्छे से उसको मिक्स करके उसका सेवन करें। अब बात करते हैं इसका सेवन करना कब है। तो दोस्तों, आप रोजाना सुबह के समय खाली पेट इन 2 चम्मच शहद के साथ 2 ढक्कन कच्चे बांस के रस का सेवन करें। लगातार इसका सेवन करने से आपके सांस की समस्या में सुधार होगा और ये जो समस्या है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो आप इसका प्रयोग करें। साथ ही दोस्तों, जब आप कोई भी चीज़, दवाई या कोई भी नुस्खा आजमाते हैं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सावधानियाँ क्या क्या रखें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो वैसा ही इसके अंदर भी है। दोस्तों, आप जब भी इसका प्रयोग करें, बासी खाना बिल्कुल भी न खाएं। साथ ही दोस्तों, आप तली हुई चीज़ें वो बिल्कुल भी उसका सेवन ना करें, ताकि आपके लिए ये नुस्खा और भी ज़्यादा फायदेमंद हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखें और इस नुस्खे का प्रयोग करें। और दोस्तों, जब भी घर से बाहर निकलें आप मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हवा की जो हालत है वो ख़राब हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही है। और अपने आसपास आप पोल्यूशन बिल्कुल भी ना होने दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्लास्टिक, रबड़ जैसी चीज़ों को बिल्कुल भी ना जलाएं, खासकर इस मौसम में तो जलाने की गलती ना करें, जिससे पोल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें। साथ ही दोस्तों, आप इसका प्रयोग करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन नुस्खे के साथ। जब तक आप देखते रहिए माई हीरोज हेल्थ। और अगर आपकी कोई परेशानी है या फिर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे जो फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी जो भी सवाल हैं, हमसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे।